हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप 20,000 रुपये के अंडर में 108 में आप इस वाला बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आएँ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद हमने इन पांचों स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है। तो अगर आप इनमें से किसी को भी खरीदते हैं तो बाद में आपको कोई पछतावा नहीं करना पड़ेगा। कुछ हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो 108 में आप इसका कैमरा मिल जाएगा 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। साथ ही आपको जो है 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट का चार्जर दिया गया है और एक पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा, जिससे कि कोई भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम हो उसे आप फुल सेटिंग में 2-3 घंटा रेगुलर भी प्ले करते हैं तो आपको कोई भी लैग बैक का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा सा मिल जाएगा, तो गेमिंग करते हैं या फिर वीडियोज देखते हैं तो उसमें आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो चलिए इन सभी स्मार्टफोन के बारे में हम एक एक करके डिटेल से जानते हैं, तो जरूर आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो पांचवें नंबर से फर्स्ट नंबर की ओर चलेंगे। तो हमारे लिस्ट में पांचवें नंबर पे आता है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 11 SE। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स के लिए जाना जाता है। स्पेशली इसका जो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी परफेक्ट देखने को मिलता है। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी इस फोन का आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, तो चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से ही। तो बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक का मिल जाता है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ आता है। बैक पैनल पे आपको कोई भी फिंगरप्रिंट के निशान देखने को नहीं मिलेगा अगर आप फ़ोन को बिना कवर के भी यूज करते हैं तो। 190 ग्राम वेट के साथ आता है, तो फोन आपको उतना भारी भी फील नहीं कराएगा। साथ ही इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो कि फोन के राइट साइड में पावर बटन में इंटीग्रेटेड है। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है। ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है, तो 2 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज कर पाएंगे। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं अब इस फोन के मेन फीचर्स की। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं इस फोन के डिस्प्ले से। तो 6.5 इंच का एक बड़ा सा फुल HD प्लस IPS LCD पैनल दिया गया है, जो कि 90Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इसमें आपको 400 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। तो लो पीक ब्राइटनेस के चलते इसमें आपको थोड़ा बहुत ब्राइटनेस प्रॉब्लम देखने को मिलेगा अगर आप फोन को डे लाइट या फिर आउटडोर में यूज करते हैं तो। तो डिस्प्ले काफी अच्छा मिल जाता है, वीडियोज और गेमिंग काफी अच्छा से प्ले कर सकते हैं इस फोन पे। चलिए अब इस फोन के कैमरे की बात करते हैं। तो इसमें आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, 48 MP का मेन सेंसर दिया गया है, 2 MP का माइक्रो लेंस आता है और साथ ही फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 8 MP का कैमरा दिया गया है। रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से 30 FPS पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा फीचर्स में नाइट मोड, स्लो मोशन, HDR और पैनोरमा जैसे फीचर्स दिया गया है। तो कैमरा में काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है, एवरेज सा कैमरा सेटअप दिया गया है। वैसे इस फोन की प्राइस भी सिर्फ 12,000 रुपये है, अभी ऑफर में चल रहा है। अगर आप अभी नहीं खरीदते हैं तो फिर उस फोन का जो प्राइस है वो बढ़कर 13,000-14,000 रुपये देखने को मिलेगा। अब इस फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी दिया गया और उसी को चार्जिंग के लिए 18W का चार्जर मिलता है। तो बैटरी बैकअप तो आपको एक दिन तक का आराम से मिलेगा, लेकिन चार्जिंग में आपको थोड़ा एवरेज चार्जिंग स्पीड देखने को मिलेगा, क्योंकि ओनली 18W का ही चार्जर दिया गया है। लेकिन अगर आप अलग से हाई स्पीड वाले अडैप्टर को यूज कर लेते हैं तो आपको चार्जिंग स्पीड भी काफी फास्ट मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड दोनों में ही काफी अच्छा है। और इस फोन में परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का काफी अच्छा 4G प्रोसेसर दिया गया है, 7 नैनोमीटर पे बना है। तो परफॉर्मेंस में काफी पावरफुल है यह स्मार्टफोन, मल्टीटास्किंग को काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। पबजी, फ्री फायर या फिर COD जैसे कोई भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम हो उसे आप 2-3 घंटा रेगुलर फुल सेटिंग में प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल फोन के बारे में कहा जाए तो आपको काफी अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है 90Hz रिफ्रेश रेट वाला, कैमरा भी आपको एवरेज सा दिया गया है ही, साथ में आपको जो बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा मिल जाता है, परफॉर्मेंस में तो नंबर 1 देखने को मिलता ही है। तो 12,000 रुपये के प्राइस में यह काफी अच्छा 4G स्मार्टफोन है, आप इस फोन को खरीद सकते हैं, रेडमी की तरफ से काफी अच्छा ऑफर चल रहा है अभी। अब हमारे लिस्ट में आता है चौथे नंबर पर रेडमी की तरफ से ही रेडमी नोट 10S। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, काफ़ी हैवी फीचर्स के साथ आता है ये फोन बहुत ही कम प्राइस में। ये फोन आपको सिर्फ 12,000-13,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा अच्छा फीचर्स दिया गया है। तो चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक का दिया गया है, 178 ग्राम वेट के साथ आता है, तो काफ़ी हल्का और पतला स्मार्टफोन है, एक हाथ से भी आप इस फोन को काफ़ी आसानी से यूज कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, तो अगर आप सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं या फिर वीडियो ज़्यादा देखते हैं तो फोन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और इसमें डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, तो 2 SIM कार्ड के साथ 1 मेमोरी कार्ड भी आप एक साथ यूज कर पाएंगे। और इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो कि फोन के राइट साइड में पावर बटन में इंटीग्रेटेड है। डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, काफ़ी यूनिक सा डिजाइन के साथ आता है, प्रीमियम लुक देखने को मिलता है आपको। चलिए अब इस फोन के हाईलाइटेड फीचर्स की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो 6.43 इंच का बड़ा सा फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 1100 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है। एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों जल्दी 12,000-13,000 रुपये के प्राइस वाले फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा आपको। और डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 को भी यूज किया गया है, काफ़ी हैवी डिस्प्ले मिल रहा है। गेमिंग करेंगे तो काफ़ी स्मूथनेस देखने को मिलेगा, वीडियोज़ का कलर वगैरह जो है वो आपको काफ़ी बेस्ट मिलता है इस फोन में। तो डिस्प्ले में आपको इस फोन की तरफ से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
चलिए बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की। तो इसमें क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर दिया गया है। और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में फोटो क्लिक करके आपको देगा। रियर कैमरे से 30 FPS पर 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है और फ्रंट कैमरे से 30 FPS पर 1080p तक में। कैमरा में नंबर वन स्मार्टफोन है। अगर आप 12 से 13 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। 13 हज़ार रुपये के प्राइस वाले फोन में आपको 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल रहा है, जल्दी आपको किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा फीचर्स में नाइट मोड, स्लो मोशन, HDR, पैनोरमा और फेस डिटेक्शन जैसे बहुत सारे फीचर्स भी आपको दिया गया है। अगर आप थोड़ा बहुत लाइटिंग की समझ है आपको तो इस फोन से आप जो है नाइट में भी काफ़ी अच्छा फोटो क्लिक कर सकते हैं सेल्फी कैमरे से। कैमरे में आपको इस फोन की तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब इस फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की। तो 5000 mAh का बैटरी दिया गया है और उसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 33 वाट का चार्जर भी मिल जाता है। बैटरी बैकअप तो आपको एक दिन तक का मिलेगा ही, अगर आप एक हैवी यूजर हैं फिर भी चार्जिंग स्पीड भी आपको काफ़ी फास्ट मिलेगा। सिर्फ एक घंटे के अंदर ही आप इस फोन को 0 से 100% तक चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप दोनों में परफेक्ट है, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक हेलियो G95 का काफ़ी अच्छा 4G प्रोसेसर दिया गया, 12 नैनोमीटर पे बना है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस में है। पबजी, फ्री फायर जैसे गेम को आप 2-3 घंटा रेगुलर भी प्ले कर सकते हैं इस फोन में। वैसे दोस्तों इस फोन को भी मेरा एक फ्रेंड यूज कर रहा है, लेकिन वो इसमें गेमिंग नहीं करता है लेकिन एडिटिंग वगैरह करता है, फिर भी फोन जो है काफी अच्छा वर्क कर रहा है। तो अगर आप गेमिंग भी करते हैं तो 2-3 घंटा रेगुलर आप इसमें गेमिंग करेंगे तो आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मल्टीटास्किंग को भी काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। अगर आप बैकग्राउंड में 8-10 एप्लीकेशन को एक साथ ओपन करके भी फोन को यूज करते हैं फिर भी फोन स्लो नहीं होगा। तो रेडमी की तरफ से ये भी फोन काफी अच्छा फीचर्स के साथ आता है, बहुत ही कम प्राइस में ये आपको मिल रहा है। ओवरऑल फोन के बारे में कहा जाए तो एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और इसमें आपको जो है कैमरा सेटअप वो नंबर वन मिलता है। 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है रियर कैमरे से और साथ ही 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट का चार्जर भी मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये, आप इस फोन को खरीद सकते हैं। 13 हज़ार रुपये की प्राइस तक में ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। वैसे प्राइस घटता बढ़ता रहता है तो कभी भी इस फोन का जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दोस्तों, इन सभी स्मार्टफोन का वीडियो देख लेने के बाद आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पे आता है रियलमी की तरफ से रियलमी 8। काफ़ी पुराना स्मार्टफोन है लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ आता है बहुत ही कम प्राइस में। वैसे अगर आप अभी के टाइम में 5G फोन के साथ जाते हैं तो आपको उतना बेस्ट फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा 4G फोन की तरह कम प्राइस में। तो चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक का मिल जाता है। एवरेज डिज़ाइन के साथ ये फोन आपको देखने को मिलेगा। 177 ग्राम वेट के साथ आता है तो ये फोन उतना भारी भी आपको फील नहीं कराएगा। और इसमें डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है तो 2 SIM कार्ड के साथ एक मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज कर सकते हैं और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है जो कि काफ़ी फास्टली वर्क करता है। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा ये फोन। चलिए बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो 6.4 इंच का एक बड़ा सा फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि 1000 nits तक का पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। HDR10 सपोर्टेड डिस्प्ले है तो काफी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा अगर आप वीडियोस देखते हैं या फिर गेमिंग करते हैं। तो डिस्प्ले काफी अच्छा मिल जाता है, एमोलेड डिस्प्ले है और आप लोग जानते हैं कि एमोलेड डिस्प्ले का जो परफॉर्मेंस है वो कितना बेस्ट होता है। अब इस फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए आता है और साथ ही 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर दिया गया है। और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि रियर कैमरे से 30 FPS पर 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे से 120 FPS पर आप जो है 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा में काफी धांसुआ स्मार्टफोन है ये, स्पेशली कैमरा के लिए भी जाना ही जाता है। तो बेस्ट कैमरा वाला फोन अगर आप लेना चाहते हैं 15 हज़ार रुपए के अंडर में तो ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन होगा। कैमरा फीचर्स में नाइट मोड, स्लो मोशन, HDR और पैनोरमा जैसे फीचर्स दिया गया है जिसे यूज करके और भी अपने फोटो क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो कैमरे में आपको इस फोन की तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब इस फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की। तो 5000 mAh का बैटरी दिया गया है और उसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 30 वाट का चार्जर मिलता है। एक दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा आपको इस फोन में अगर आप फोन को हैवी यूज करते हैं फिर भी जैसे गेमिंग के लिए या फिर जो है वीडियो ज्यादा देखने के लिए। चार्जिंग स्पीड भी काफी फास्ट मिल जाता है, 1 घंटे के अंदर ही आप इस फोन को 0 से 100% तक चार्ज कर पाएंगे। तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड दोनों में परफेक्ट है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक हेलियो G95 का काफी अच्छा 4G
प्रोसेसर दिया गया 12 नैनोमीटर पे बना है। तो प्रोसेसर इसमें आपको एवरेज सा देखने को मिलता है। तो पबजी, फ्री फायर जैसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम को मीडियम सेटिंग में आप रेगुलर 1-2 घंटा प्ले कर सकते हैं। प्रोसेसर को उतना पावरफुल नहीं कहेंगे, लेकिन और जो सभी फीचर्स है जैसे कि आपको डिस्प्ले एमुलेट मिल जाता है, कैमरा आपको 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देता है, साथ ही आपको जो है 120 FPS पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है फ्रंट कैमरे से भी। और इसमें बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड भी परफेक्ट है, बाकी परफॉर्मेंस में आपको एवरेज ही मिलेगा। और वैसे भी एक ही फोन में सभी फीचर्स बेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो Realme की तरफ से ये काफी अच्छा 4G स्मार्टफोन है, आप इस फोन को खरीद सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है पोको की तरफ से पोको M4 Pro 5G। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, 5G है, लेटेस्ट स्मार्टफोन है, इसीलिए इस फोन को जो है हमने अपने लिस्ट में सेकंड नंबर पे रखा है। तो चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में दोस्तों काफ़ी अच्छा है ये फोन, स्पेशली अगर आप इसका येलो कलर वाला वेरियंट खरीदते हैं। तो बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक का मिल जाता है, 195 ग्राम वेट के साथ आता है, तो ये फोन उतना भारी फील नहीं कराएगा आपको। बिना कवर के भी फोन को यूज करते हैं तो आपको बैक पैनल पर कोई भी फिंगरप्रिंट के निशान देखने को नहीं मिलेगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। फोन के राइट साइड में पावर बटन में इंटीग्रेटेड है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा, तो 2 सिम कार्ड के साथ 1 मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज कर पाएंगे। और ये फोन स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है, जो कि काफी अच्छा फीचर्स दिया गया है। तो वीडियोज देखने में या फिर जो है म्यूजिक सुनने में आपको काफी आनंद आएगा इस फोन में। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफी बेस्ट स्मार्टफोन है, गुड लुकिंग स्मार्टफोन है, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो 6.6 इंच का एक बड़ा सा फुल HD प्लस IPS LCD पैनल मिलता है, 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन 450 nits तक का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। तो डे लाइट या फिर आउटडोर में फोन को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ब्राइटनेस प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 को यूज किया गया है प्रोटेक्शन के लिए, तो काफी अच्छा है, बड़ा सा डिस्प्ले दिया गया है, तो गेमिंग करने में आपको काफी आनंद आएगा, साथ में वीडियोज देखने में तो और भी आपको मजा आएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले काफी परफेक्ट आपको मिल जाता है। चलिए बात करते हैं अब इस फोन के कैमरे की। तो 50MP का मेन सेंसर दिया गया है, 8MP का अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 16MP का कैमरा मिल जाता है। रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से 30fps पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा फीचर्स में नाइट मोड, स्लो मोशन, फेस डिटेक्शन और ब्यूटी मोड जैसे फीचर्स दिया गया है। वैसे ये फोन आपको 14,000 रुपए के अंडर में ही मिल जाएगा, लेकिन इतना कम प्राइस में आपको किसी भी 5G फोन में अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस फोन में दिया गया है, तो कैमरे में आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वहीं इस फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 5000mAh का बैटरी दिया गया है, और फास्टली चार्जिंग के लिए आपको 33W का चार्जर भी मिल जाता है। तो 1 घंटे के अंदर ही आप इस फोन को 0 से 100% तक चार्ज कर सकते हैं, बैटरी बैकअप आपको 1 दिन तक का मिल ही जाएगा। तो कैमरा और डिस्प्ले के साथ साथ आपको बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड भी काफी अच्छा मिल रहा है। प्रोसेसर की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 810 का 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर पे बना है, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस में है। हाई ग्राफिक्स वाले गेम को आप फुल सेटिंग में 2-3 घंटा रेगुलर प्ले कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग को भी काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। एंड्रॉयड 12 के साथ आता है, MIUI 13 पे वर्क करता है, लेटेस्ट वाला OS दिया गया है, यूजर इंटरफेस आपको काफी क्लीन मिल जाएगा। थोड़ा बहुत ब्लॉटवेयर इस फोन में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल इस फोन के बारे में कहा जाए तो डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया है, सिर्फ लो पीक ब्राइटनेस इस फोन में आपको मिल जाता है, बड़ा सा डिस्प्ले है, और इसमें कैमरा भी काफी बेस्ट दिया गया है, रियर कैमरे से 120fps पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड भी काफी परफेक्ट है, और पावरफुल प्रोसेसर तो आपको मिल ही रहा है। तो काफी अच्छा फोन है ये, आप इस फोन को खरीद सकते हैं, पोको की तरफ से आता है। और टॉप पे आता है Realme की तरफ से Realme 9। काफी अच्छा स्मार्टफोन है, काफी अच्छा अच्छा फीचर्स इस फोन में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक का मिल जाता है, सिर्फ 178 ग्राम वेट के साथ आता है, तो काफी हल्का स्मार्टफोन है, साथ में पतला भी है, एक हाथ से काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। डेडिकेटेड स्लॉट के साथ आता है, तो 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज कर पाएंगे। और इस फोन में भी आपको जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि काफी फास्टली वर्क करता है। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसका येलो कलर वाला जो वेरिएंट है वो आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं इस फोन के हाइलाइटेड फीचर्स की। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो 6.4 इंच का बड़ा सा फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और 1000 nits तक का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 को भी यूज किया गया है, तो काफी अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है, हाई रिफ्रेश रेट के साथ आ ही रहा है, तो गेमिंग काफी स्मूथली कर पाएंगे, वीडियोज वगैरह देखने में आपको काफी आनंद आएगा। बात करते हैं कैमरा की। तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाएगा, 108MP का मेन सेंसर दिया गया है, 8MP का अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, और 2MP का माइक्रो लेंस मिल जाएगा।
और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से 30 fps पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। कैमरा में काफी अच्छा है। कैमरा फीचर्स में नाइट मोड, स्लो मोशन, HDR और पैनोरमा जैसे फीचर्स दिया गया है। वहीं बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है और तेजी से चार्जिंग के लिए 33W का चार्जर। तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड दोनों बेस्ट मिलता है। एक दिन तक का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का काफ़ी अच्छा 4G प्रोसेसर दिया गया है। परफॉर्मेंस में एवरेज सा देखने को मिलता है, उतना बेस्ट नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आप हाई ग्राफिक्स वाले गेम को 1-2 घंटा रेगुलर इस फोन में प्ले कर सकते हैं। तो रियलमी की तरफ से आने वाला यह काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ आता है, तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं। दोस्तों इन सभी स्मार्टफोन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि 16000 रुपये के अंडर में इन सभी स्मार्टफोन के अलावा भी और कोई बेस्ट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम उस फोन को कवर करेंगे।